हेलो गाइस, आशिका लाइफस्टाइल एंड मेकअप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की लिंक मिल जाए। आज आप लोगों को सिखाएंगे फिश करी। इसके लिए चाहिए आलू, ये है डाटा, धनिया, मिर्ची, काला जीरा, अनियन सीड्स, ब्लैक अनियन सीड्स, नमक, हल्दी। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एवरेस्ट के हिंग पाउडर। उसके बाद चाहिए दाल बड़ी, इसको आप मार्केट में मिल जाएगी आप लोगों को। उसके बाद चाहिए मास्टर्ड ऑयल, कच्ची हनी मास्टर्ड ऑयल, इमाम के हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। और चाहिए कतला फिश, ये मार्केट में बाज़ार में मिल जाएगी, फिश मार्केट पे। इसको हमने फ्राई करके रख, अभी हम बड़ी को फ्राई कर लेंगे। नाउ अभी ऑयल में काला जीरा देने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्मेल अरोमा निकलने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए कैसे फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद इसमें जो मसाला आप लोगों को दिखाए थे उसका एक पेस्ट बनाना पड़ेगा, हींग देकर वो मिला लेंगे। और यहाँ पर और एक तो कढ़ाई में हम आलू और डाटा को हम फ्राई कर ले रहे हैं। इसे अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। उसके बाद फ्राई हो जाने के बाद इसको उठा लेना है, एक थाली में इसको उठा लेंगे। डाटा जो है हमने यहाँ पर दिए थे उनको उठा लेंगे। अभी ये मसाला आपको अच्छे से पकाना है, ढककर मीडियम आंच पे आपको पकाना है इसको। ऐसे ही हम ढककर 3 मिनट्स तक हम रख देंगे। उसके बाद आलू दे देंगे इसमें और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चे स्मेल है, मसाले की जो कच्चे स्मेल है वो चले जाए। इसके लिए इसको अच्छे से थोड़े देर तक पकाना पड़ेगा, 2 मिनट तक। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे जब मसाला हो जाए। उसके बाद इसको अच्छे से मसाले को पानी के साथ मिक्स करना है। मिक्स जब हो जाएगा उसके बाद इसमें उबाल आने तक फिश, सब फिश फ्राई जो हमने फ्राई किए थे वो फ्राई फिश हम इसमें दे देंगे और इसको उबलाएंगे। सब बड़ी, सब फिश हमने इसमें दे देंगे। अभी बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। इसको ढक कर पकाना है फिश को। देखिए आपको ये बॉयल जब आएंगे तब आपको समझना होगा फिश हो जाएगा, पक जाएगा, अंदर से इसमें जो जूस है वो वगैरह जाएगा। उसके बाद हम फिश को, ये कड़ी को, ये एकदम रेडी है। अब इसको हम उठा लेंगे और ये ज़्यादा बहुत ही लाइट होता है ये फिश। ये तो मेरे फेवरेट है और इंडिया में तो फिश मतलब बंगाली लोगों के फेवरेट है फिश करी। और ये करी काइंड ऑफ ही है, दोपहर को राइस के साथ आप खाएं, गर्मा गर्म राइस के साथ बहुत ही टेस्टी है। मेरे फिश करी एकदम रेडी है, तैयार है एकदम। देखिए आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी नए नए रेसिपीज़ आप लोग चाहते हैं तो, और तब तक के लिए थम्स अप, ऑफ कोर्स थम्स अप कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और क्या वीडियो